मित्रांनो नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय व्लॉग. सो आज आपण चाललेलो आहे कैलास खेर सरांकडे. कारण की माझ्या डोक्यात एक आयडिया आली की एक जी रील आपण केलेली सैयावाली या लोकांबरोबर बघा हे सैया हास श्रवण जेव्हा मरायचा बाकी होता हसून असून त्याच्या टेमक्यामध्ये गोळा आलेला हसून असून त्या रील ती रील खूपच जास्त व्हायरल झाली होती. अपेक्षा नव्हती मला पण अति जास्त व्हायरल, खूप रिक्रिएट वगैरे झाले. तर म्हटलं आता आपण एक अशी रील बनवूया जी ओजी माणसाबरोबर काहीतरी आपण करूया. सो ती रील एक फन रील शूट आहे करायला मी चाललो आहे पहिल्यांदाच. उद्या त्यांचा बड्डे पण आहे तर ते उद्याच पोस्ट पण करीन मी असं आहे डोक्यात विचार. सो बघूया काय होत आहे तिकडे आणि आता आम्ही त्यांच्यासमोर गाणार आहे किंवा ते कसे गाणार आहेत किंवा काय आपल्याला जरा मजा येईल हा व्लॉग एकंदरीत आपण म्हणजे हा पार्ट व्लॉगचा करताना. सो लेट्स सी. आम्ही जरा लवकरच निघालो आहे पावसाचे कंडिशन्स बघून. पाऊस डेंजर लेवलला चालू आहे. जब आपके इधर हो तो चप्पल कहाँ जाएंगी? आओ जी आओ, स्वागत है आपका. हेलो सर जी. नमस्कार जी. नमस्कार. क्या भेजा तू चाय? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं. कैसे आप लुक हमेशा चेंज क्यों करते हो? मैं आता ये बेटर है ना. अबे आप तो क्या हर टाइम बेटर ही आपका. हेलो गाइस, प्लीज प्लीज आप बैठिए सब लोग. सबको अपना अपना इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. मैं कराता हूँ. अच्छा नील कराएगा. नील करा. ये सिद्धांत नील यहाँ का वेटरन है. इसी का स्टूडियो है. यही का है वो नील. गोल्ड है ये. यही का उत्पाद है प्रोडिजी. तब ये नहीं आने दिया था हमने उसका. तब से जी. ये शुभम है. शुभम हेलो. शुभम करोति कल्याणम. ये श्रवण है. श्रवण. ये सिद्धांत है. ये रोहित है. ये मेरा मैनेजर है. अरे वाह. ये रजत है. बहुत सही. ये मेरे सब वीडियोस वगैरह शूट करते हैं. ये रोहित मैनेजर टाइप लग रहा है. जी बैग भी पकड़ के बैठो भाई ना. थैला लिए बैठो बैठो. सब में एडजस्ट हो जाओ कहीं कहीं. जो भी थैला जरा आ जाओ जल्दी. आइए कॉफी ऑफी पियो. चलो कॉफी पे जाओ. सर क्या चाहिए? कॉफी की बहुत. ये इसको कॉफी दे. इसको जो चाहिए पहले वो तो बता दो. कैसे सर? हम तो काढ़े वाले. हेल्थ वेल कैसा है? बहुत बल्ले बल्ले. कोई लेगा चाय? अदरक वाली चाय कौन पी सकता है? एक काम सबको चाय बोल दो. चले चाय. हां चाय. नहीं नहीं इसके लिए कॉफी जो उसका मन किया वो पी के लिए कॉफी. पांच अदरक वाली चाय और एक बढ़िया कॉफी. इससे चल रहा है और सब. तो ये आप लोग सब एक साथ गाड़ी में तो नहीं आए? सच बताओ. हेरा फेरी टाइप. हां करण का मड में शूट चले. वो शायद ऑन द वे होगा. फोन में लग रहा है तो जेटी में होगा. शायद जेटी में बीच में कहीं पे. तुम्हारा एक परेश भी है उसको भी लेके आ जाए. आपका वो गाने का मैंने रील किया था वो सैया के ऊपर. तो बहुत इतना ये हो गया उसको. ऑलमोस्ट उसको तो मैंने नील को बोला जी एक ट्रेंड चल रहा है सैया का. तो आज के बोला वो मैंने ही स्टार्ट किया. स्टार्ट किया जी. मतलब वो ऐसा मैंने ऐसे हम लोग ने बैठ के किया था. आपको दिखा था क्योंकि वो इतना इजी नहीं है. इतना इजी नहीं है. तो लोगों को लगता है कि अच्छा ऐसे ही करना क्या. तो इसको 10 मिलियन व्यूज ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोगों ने देख लिया. सैया ये सिद्धांत था. कौन है जिसने हवा खारिज की? ये उसका श्रवण. सब लोग काम करते हैं. नील तो फिर भी शुरू में गा रहा जी. नील तो अपने साथ ही है.
श्रवण ने तो श्रवण कर दिया। कोई बड़ा छोड़ा बछड़ा। तो ये फिर काफी वायरल हो गया था, तो बहुत लोगों ने बनाया भी इसके ऊपर। एक हम लोग ओरिजिनल वायरल कर सकते थे लेकिन हम लोग किया नहीं। तो सैया ही गा रहे थे तो उसको ऐसे माइक लगा, गाते गाते गाओ उनकी तरफ माइक लगा दिया। अब वो हे भगवान, बंदे ने अचानक मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे हम थे उसने सब सब कुछ तोड़ दिया लेवल एकदम घोड़े उसने जो ऐसे वो है क्या आपके पास वीडियो है? मैं तो ऐसा हंसा हूँ। मैं तो सबसे बहुत पहले 2-3 साल पहले एक वीडियो डाला था स्टेज परफॉर्मेंस का और ये बम 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 वो वाला गाना सुनता, एक बंदा पीछे से ऐसा ऐसा करके स्टेज पे बोले ये कौन बेचारा ऐसा ऐसा करके नाच रहा है बंदर की तरह कूद रहा था। वो देख के वीडियो इतना हंसा हो ना, बोले ये कॉमेडी वीडियो बन गया। लोग पागल हो जाते हैं, उनको एक्साइटमेंट रहा नहीं जाता उनसे। अभी उस दिन मैं कहीं गया था वहां पर जोर जोर से बज रहा था, तो ये गाना तो हमने किया नहीं, अभी आ रहा है मुझे। उसको भी 2 साल हो गए लॉकडाउन पूरा लॉकडाउन है पता है। हाँ? उसका भी मोर देन अ करोड़। हाँ, और वो ये राम वाला वो भी कुछ 2-3 मिलियन पे है। ये दो वो भी कितना एक दिन का काम है वो। वो तो मस्त हुआ था। मैंने अच्छा उसको सतीश को यही बोला था कि नील को बोलना वो भले बहुत फेमस होए बहुत बिजी होए लेकिन ये सब छोड़े ना। हाँ, इन सब में, लेकिन इन सब में क्या होता है कि आपका असली असली रंग दिखता है कि असली में क्या है, ये कौन है जो हंसा रहा है लोगों को, ये बेसिकली कितना छुपा हुआ है क्रिएटिवली और कितना गहरा है। तो तभी भी सर ने वो कॉल किया था नई उड़ान के लिए, बहुत टाइम बाद सर का कॉल है, सर सेम डील आज ही देना। बोले सर आप हमेशा घोड़े में क्यों आते हो, थोड़ा कभी कछुए में बैठ के आओ। फिर भी सर को एक दिन में दे दिया, 11 बोला था 11 में दे दिया मैंने। एक दोस्त है उसको बोला चल तू ड्राइंग कर फटाफट अभी कर रहा है, और मैं सुबह 5 बजे उठा चल के एडिटिंग 10 बजे तक भेज दिया सर। ठीक है छोटा ही था तो हो गया फटाफट। आप इंडिविजुअल जैसे कंटेंट क्रिएटर थे, इसके पहले क्या करते थे आप? मैं एडिटर हूँ, एनिमेटर हूँ। अच्छा एनिमेटर हो? हाँ मैं फ्रीलांस करता था, पहले जॉब भी करता था, फिर कोविड के टाइम पे वापस जॉब पे जाना पड़ा, फ्रीलांस के लिए आया अभी। तभी पहले से करता था, मतलब मैं जब एनिमेशन ज्वाइन किया अभी 5 साल हो गया, 5 साल से कर एनिमेशन। जब आप कंटेंट क्रिएट करते थे कौन से प्लेटफॉर्म में पहले करते थे? टिकटॉक पे भी डालता था, इंस्टाग्राम पे भी डालता था, तभी कैसा लिमिट नहीं था, मतलब IGTV बनाओ मैं तो 1 मिनट का बनाओ, 6 सेकंड का बनाओ, 10 सेकंड का बनाओ, जितना होता तो फेसबुक इंस्टाग्राम इस पे था। मैं वो दिन जब भुवन आया था इधर, फिर आप लोग को भी मिला ना उसके वही सीरीज का, वो सीरीज का हम लोग ने प्रमोशन भी किया था ना, तब हम लोग सब भुवन को मिले थे। आपको पता है वो मराठी है? हाँ, उसकी माँ मराठी है। वो जब टाइटल ट्रैक सुनूंगा ये तो कैलाश जी ने गाया है। वही इसलिए आया मैं। हाँ मस्त है वो भी। हाँ उसके टाइटल ट्रैक मस्त है। गलत बोल थे ठीक है, गलत बोल गए हैं उन्होंने पूरा हटाया ये सब हटा। इसमें वो MCBC वाला वो तो उसके वीडियोस में भी होता है काफी, उसके उसी तरीके से लिखा होगा तो उसके बिना भी हो सकता है। जैसे कह रहे हमने ऐसा वीडियो बनाया उनको गुस्सा आ जाएगा, सर ऐसे नहीं है सर, चिल है सर, ऐसे गाने में ऐसे अलग से सीरियस है सब, पर एक्चुअली सर एकदम फन लगी है। अब आप वो मजा तभी दो जो मजा आपको जब आ रहा हो, असली मजा तभी है जिंदगी का, क्योंकि यदि आप मान लीजिए कोई भी दान तब दें जब आप थक चुके हैं, इसका मतलब आपसे बच गया, तो अब आप
चले हैं उस नैया में जिसका कोई खिवैया अब, लेकिन तब जब जो मजा आप ले रहे हो कि यार ये कैसा है, ये चमक का मजा, एप्रिशिएशन का मजा कितना प्यारा होता है, तो व्हाइल आई एम एंजॉयिंग इट लेट मी ऑल्सो सीड न्यू सीड रॉ करने ताकि नई नई पौध देखें। पहली बार जब हमने 2017 में नई उड़ान किया तो चीफ गेस्ट बुलाया था जावेद अख्तर और शबाना आजमी जी, उन्होंने मंच पे आके क्या बोला कि पहली बार हम देख रहे हैं पूरे करियर में कि कोई अपना कंपटीटर खुद खड़ा कर रहा है। लेकिन ऐसे पागल लोगों से ही ये दुनिया बनी है। सिद्धांत, शुभम, रोहित, श्रवण, ऐसा एक वीडियो बनाएंगे कि जैसे ये था अभी आपको मैंने दिखाया ना हमारा वो सैया वाला, वैसे ही है, हम लोग खड़े हैं और हमारे पीछे आप कैलाशा बैंड खड़ा है, ठीक है, आप सर दोनों और वो संकेत, हम लोग आगे खड़े हैं, आप नहीं दिख रहे हो अभी, आप हमारे पीछे तो वो दिख, ऐसे फ्रेम लगाएंगे कि आप दिखोगे नहीं। तो मैं बोलूँगा कि पिछले वीडियो को इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया और वो काफ़ी मज़ेदार था, तो हम लोग ने सोचा कि एक और बार करते क्योंकि काफ़ बहुत फन आ रहा है, तो एक और बार ट्राई करने वाले, तो मैं गाता हूँ और एक जन गाता है, ऑब्वियसली वो वैसे ही जैसे होता नहीं है, वो जैसे वो सुर नहीं पकड़ पाते, और एक जन गा रहा है, गाते ही आप गाना चालू कर देते हो, हम लोग ये आवाज़ कहाँ से, हम लोग कैसे पीछे हट जाते, तो आप कैला सा बैंड अभी वो सैया का पूरा एक वो फ्रेज ख़त्म करता है और फिर आप बोलते हैं नील अभी ट्रेंड ख़त्म, ओरिजिनल हो गया है, इतना ही वीडियो है, फिर वो हम नई उड़ान का बताएंगे हमारा जो जो भी अपना सीटीए रहेगा कि नई उड़ान है, आप जरूर देखिए वगैरह, जो भी आपको हमको कन्वे करना है वो हम कन्वे कर देंगे। मैं ऐसे मानता हूँ जिस तरह से भगवान ने ब्रह्म कमल खिलाया है कहीं, तो वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा के लिए तो है नहीं, क्यों खिलाया ब्रह्म कमल, ताकि उसका पता लगे कि हाँ ब्रह्म कमल खिला है। तो हुनर भी ऐसे ही होता है, गुण भी ऐसे ही होते हैं, आर्ट भी, प्रतिभा भी ऐसे ही होती है, यदि होती है तो उसका सिर्फ कमर्शियल प्रयोग नहीं करना है कि भाई पे एंड पार्क, तो पे एंड पार्क में तो रेडीमेड बहुत माल मिल रहा है अभी, जंक टेम्पलेट बने हुए पैकेट के पैकेट, लेकिन जब सच्चे कुछ क्रिएटिविटी और ये मिला है तो उसको एक ऐसा भी दुनिया होनी चाहिए जहाँ की ये पागलों की एक दुनिया है और ये भूखे भी नहीं मर रहे, लेकिन भूखे किसी को मार भी नहीं रहे, तो लोगों को रास्ता है। हमारा बैंड शुरू हुआ था ऐसे, तो मैं शुरू से ही नरेश परेश को मिल लिया था 2002 में ही, और 2005 से हम लोगों के टूर शुरू हो गए थे, तब से हमारा बैंड है कैलाशा। तभी सर अच्छा था, और तभी म्यूजिक वीडियोस भी बनते थे, सीडी बनती थी, कैसेट्स, अभी वो सब मतलब म्यूजिक वीडियो तो थे, अभी भी बनते हैं, बस स्टोरी लाइन वाले दिखते तो थे, मतलब एक टीवी होता था, किसी को चॉइस नहीं होता था, यही आ रहा है, हां लोग वेट करते थे एमटीवी पे, क्या और उस टाइम पे क्या होता था, फिल्म के गाने और इंडिपेंडेंट गाने साथ में आते थे, आपको सिल्क रूट दिखता था, रब्बी शेरगिल, लकी अली, कितने सारे आर्टिस्ट थे ना वैसे, और वो तभी के म्यूजिक वीडियोस में एक स्टोरी लाइन होता था, एक कुछ ड्रामेटाइज्ड होता था, समझ, एक अपने आप में एक पिक्चर होता था वो, ये अभी के कुछ भी होते हैं म्यूजिक वीडियोस, कुछ भी बना ले, विजुअल कॉन्सेप्ट्स होते हैं बस, ऐसे फ्रेम चेंज होते, समझ में नहीं आता क्या देखा, तब तो फिल्म कैमरा भी होता था, VH1 भी एक था, पर VH1 पे इंडियन नहीं था ज्यादा, उसके बाद तो कुछ था ही नहीं, यहाँ पे गाने चलते, जितने भी म्यूजिक चैनल आए बाद में वो कुछ और चैनल बन गए, उसके बाद YouTube, सब YouTube, अभी एक ही चैनल YouTube, सही में एक्चुअली अच्छा हो गया YouTube पे, अभी जिसको जो अच्छा लगता है वही सुनता है बस, और वो रेकमेंड भी वही करता है अपनी चॉइस से, और अभी हर का अपना चैनल है खुद का और फ्री फ्री नहीं होता है, आपको ऐड तो देखने दिमाग में टाइम इज मनी वाला, टाइम तो आपका गया, टेंशन तो ले ली, Instagram इज द न्यू, टिकटॉक का क्या हाल है, बंद है ना टिकटॉक, तो बंद हो गया।
इनकी स्टार्टिंग, तो एक पहले मैं गाता हूँ, फिर एक ऑर्जन गाता है, फिर एक ऑर्जन गाता है, और अचानक सर आपका मतलब आ जाता है, तो मेरे ये कहाँ जा रहा है, वो आप वो पूरा प्रॉपर जैसे ओरिजिनल है वैसे आप गा देते हो। फिर कैलाश सर बोलते हैं डील खत्म हो गया, ट्रेंड अभी ओरिजिनल आ गया कट, उसके बाद हम लोग नई उड़ान का जो सीखे वो ओके ओके इट्स ओके ओके कुछ एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करना, नहीं 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 अलग मन गए ना दीगे मंदिर है वहाँ पे, लेकिन वहां से नीचे नहीं आते ना लोग पीछे से, अलग रास्ते से, पर वी डिड अ ट्रैक स्टार्टेड अ ट्रैक 2 AM तो वो रात को जो ऊपर से दिखता है, अरे अलग ही, और पीछे देखा था कोई कोई टॉर्च लेके आ रहे है। सो यस इज भाई तू पूरा फ्रेम बता और क्या। तो सर ये फ्रेम है, हम लोग यहाँ पे खड़े, आप लोग यहाँ पे बैठे हो, आप हमारे बीच दिखोगे नहीं पहले, जब आप गाना चालू कर दोगे हम लोग जब साइड में आप रिवील, आपका एक ही वो एक ही लाइन फ्रेश सर एकदा इथलं सांग ट्रेड करणार असेल ते चालू करणार मी एक जण तीन जण गातील तर थर्ड पर्सन यू गाईज कॅन कट हिम हाफ वे अँड यू स्टार्ट सैया तो जैसे वो था हम लोग आवाज कहाँ से आ रहा है हम लोग पीछे देखते हैं साइड में जाते हैं जैसे कि ये पोजिशन है अभी ठीक है और आप लोग रिवील होते हैं उसमें तो आई थिंक त्या वेळेला तुम्हाला तो उभं राहायला लागेल कारण की हे लोक दिसत आहेत पण आधी यू फॉलो आई विल जस्ट हम सो वी डू सैया सैया करेक्ट हां बाद में इसमें जो भी है एक थोड़ा एक 10 सेकंड का बैच ही पकड़ के रखते हैं बट यू कुछ ही पकड़ के यू स्टार्ट द थिंग यस नहीं नहीं आई परेश पर चलेगा ना टाइमिंग को लेके 1 2 3 4 बनने लोग गा रहे होंगे भाई गा ट्राई करने को एक बार ट्राई करते क्या करना है एक बार हम लोग है ना मैं आपको एक रिहर्सल दिया रिहर्सल जैसे करते एक बार हमारे साथ तो आपको भी पिकअप टाइमिंग मिल जाएगा ठीक है तो मैं कैमरा में पहले बोलता हूँ we'll start from that part what you are going to do now you can second line भी लिया तो भी चलेगा सैया आप लोगों से कंटिन्यू करना है तो मैं यहाँ पे हूँ और मैं बोल रहा हूँ तो गाइस पिछले वाला जो सैया ट्रेंड था वो काफी आप लोगों को पसंद आया तो हम लोग भी बहुत मजा आया तो हम लोग सोच रहे थे कि एक और बार करते हैं तो एक हम लोग ऐसे वापस ट्राई कर रहे हैं कि ओके चलो देखिए सैया सैया हम सुर पे नहीं सर एक बार आप सब कर सकते हैं मैं साउंड चेक कर लिया अभी करते हैं चलो ये सिल जैसे वन टू थ्री फोर सैया और ये होने का आपको मुझे बोलना है नील अभी ट्रेंड खत्म ओरिजिनल आ गया मैं यहीं पे खड़ा हूँ मैं ऐसे देख रहा हूँ मैं हम लोग सब आपको ट्रेंड खत्म अभी ओरिजिनल कैलासा आपकी स्टाइल में ले लो बस चलो इतना ही है आता तुझा एवढा टास्क है की जोपर्यंत ते लोक चालू नाही करत ना ओरिजिनल तुला ते ट्राय करायला लागतो ओरिजिनल लागवायला लागतो ओजी आ गेला
when he's trying, I'll just say, hey, and you guys, friend, and then we'll give chord, and then we start. Yeah. Chalega. Works. Ready? एकदा मागचे कोण दिसत नाहीत आम्ही हाईड केले ना प्रॉपर येस एक्शन हाय गाइज तो लास्ट टाइम हम लोग ने वो सैया वाला रील किया था जो काफी फनी हो गया था मुझे भी बहुत पसंद आया था हमें भी बहुत मजा आया था तो वी थॉट कि एक और बार करते हैं क्योंकि बहुत ही मजा आएगा तो एक बार चलो रेडी ना सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहले सैया सैया तो नील बस अभी ओरिजिनल कैलाशा आ गया सही है सर सही है सर एक बार से चेक करता हूँ अभी ट्रेंड खत्म ट्रेंड पे एक सेकंड हमको ट्रेंड खत्म नहीं करना है भाई अपने जगह पे ओजी अभी आ गया ट्रेंड अपनी जगह पे ट्रेंड अपनी जगह पे लेकिन ओरिजिनल कैलाशा इज हियर ट्रेंड खत्म नहीं करना सैया अपनी जगह है लेकिन ओरिजिनल कैलाशा हेयर सर एकदम सही है गुड अरे ये अच्छा हुआ एक बार देख लेना सर साउंड के लिए ये परफेक्ट था ये बहुत अच्छा हुआ इससे दांत था ना जी सही है सर परफेक्ट हो गया डन थैंक यू सो मच अभी वो बस एंड वाला कर लेते हैं मीटिंग उतना चलो ओके सर थैंक यू सो मच सर हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है ऐसे बोल सर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं ऐसे बहुत जन्मदिन But it's nice actually if we keep that. चलो ready? तो मैं पूछूँगा what? Happy birthday sir. Keep that actually. सर वो करूँ सर जन्म जन्मदिन की what? सर happy birthday. Thank you so much sir. Okay. Thank you so much for doing this. बहुत मजा आया. Thank you all. Thank you sir. चलो सर thank you so much. लाइव सुन के और मतलब अपॉर्चुनिटी जी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी था सुन थैंक यू फॉर शूटिंग अस थैंक यू एवरीबॉडी थैंक यू सर सो मित्रांनो कसा होता एक्सपिरियन्स कैलाश खेड सरांबरोबर शूट करायचा सही हां सही म्हणजेच मजा झाली छानच छानच पहिले तर गेलो तर फाटलेली होती कारण की त्यांच्या समोर गायचं आहे आपल्याला डेंजर माझं तर श्रवणमुळे फाटलेलं मी तर कान पकडलेले मी बोललो श्रवण कसा गाणार आहे म्हणून मी गायलोच नाही ते बोलले पण ना श्रवण दे श्रवण दे व्हिडिओ बघतात रजत तुझा कसा होता माझा बेस्ट एक्सपिरियन्स होता कारण मी शूट करत होतो आणि माईकचा इनपुट डायरेक्ट माझ्या हेडफोन्समध्ये जात होता आणि मला तो जो एक्सपिरियन्स मिळाला आहे तो मी व्यक्त नाही करू शकत मी ट्राय करत होतो त्यांच्याशी बोलायला की कसं मला फील झालं पण घंटा काही शब्द नाही निघाले नेक्स्ट लेवल एक्सपिरियन्स सो आणि
भाई रोहित भाई तुम्हारा कैसा था एक्सपीरियंस काम करके कैसा लगा? भाई बहुत बहुत बढ़िया था भाई, बहुत बढ़िया। मतलब इतना मेरे दिमाग में वो जोगन छलके फिर तेरी दीवानी ये सब चल रहा है और वो सामने बैठ के मैं सिर्फ वो इमेजिन कर रहा हूँ कि वो गा रहे इस तरीके से गा रहे उस तरीके से गा रहे, मैं वो तो मेस्मराइज्ड एक्सपीरियंस था। सो असा होता साधारण आमचा एक्सपिरियन्स कैलास सरांसोबत शूट करायचा आणि नेहमीच असं असतो। मी तर खूप वेळा शूट केलेलं आहे त्यांच्यासाठी, मी खूप काम केलेलं आहे। इनफॅक्ट गेले ऑलमोस्ट 2018 वगैरे 17-18 मी त्यांच्यासोबत काम करतो आहे आणि मला ओवर द टाईम आम्ही मित्र झालो आहे बेसिकली। इवन दो आमच्यामध्ये खूप एज गॅप आहे पण ते माझी ऑलमोस्ट सगळ्या बऱ्याच गोष्टी असं डिस्कस रँडम करत असतात, सजेशन्स देत असतात, मेसेजवर आम्ही कधी कधी बोलत असतो। सो तसे आम्ही फ्रेंड्सच आहोत असं बोलू शकतो पण ते त्यांच्याकडे येऊन नेहमी शिकायला मिळतं। एक चांगलं काहीतरी एनर्जी आहे त्यांच्यामध्ये, एक असं साधू बोलतो असं नेहमी वाटत राहतं मला। सो येस मजा आली, रील तर खूप भारी झाला आहे। आय होप परत जसा आधीचा चालला तसा हा चालेल, बिकॉज त्या इंटेन्शनने मी बनवला आणि पहिल्यांदा मी असं कुठल्या तरी व्हायरल होईल या इंटेन्शनने व्हिडिओ बनवला आहे। सो आय होप जसं पाहिजे तसंच होईल, मोस्टली झालं असेल तोपर्यंत रील आला असेल। चला तर आता आपण कैलास केळेची गाणी लावून ट्रिप करत चला मित्रांनो। सैया तो असतोच आहे सुंदर, तो असतोच आहे मागे अजून। तेव्हा त्यांनी सुरुवातीला रिहर्सलच्या वेळेला बघ गायले तो मी बोललो भाई समोर ऐकायला लागलं की काय चुकून समोर सिद्धार्थ गाणं गायला असते तर आईचं गाणं गायला डायरेक्ट कॉल होता आईला आईचा पण बनव मी येतोय परत दारू प्यायला का। सो मित्रांनो आम्ही आता चाललोय एका असं वेगळंच काहीतरी एक गोष्ट बघायला, खूप असं एक्सायटेड आहे मी, मला आत्ता रिव्हील नाही करायचं अजिबात आणि तुम्ही बघाल तेव्हा खूप मजा येईल। केसरिया तेरा इश्क है पिया नंद जाओ जो मैं हाथ लगाऊं कर दे बारी मेरी विंटेज कार इज माय फर्स्ट कार। स्वॅग
आहे का लुक मंगळवार हळद लागली तिला पण घेऊन दिया पकड म्हणजे एकटाच मारपीट आणि मुन्नाचे पाय दुबडून मुन्नासाठी ही गाडी नाहीच आहे. मुन्नाचे पाय मुन्नासाठी ही गाडी नाहीच आहे. तुझा सुपर बाईक आहे नाही ग आता एवढी चालवली ना मी तिथे वॉकअपला नेली धुतली थोडं काम केलं मारुती 800 तिला मॉडिफाय केलं सगळं आता संत सांगतो सगळं खाली एन्जॉय करो आई थोडासा पिजो खाली थोडासा शूटसाठी नाही मित्रा विकत साठी घेतलेली आपण अरे या ना इकडे ना घरात येतो का पटकन 90 फीटला येतो का लगेच ऑरेंज तुम्ही या उद्या या जरा भेटायला मग दाखवतो गाडी ठीक आहे मी जरा फॅमिली सोबत फोटो काढतो अरे मित्र हे बघ एवढे मम्मी पप्पांना बोलवून हे बघ आपण पूजा पण केला आता अजून काय बोलू भाई 85 चा मॉडेल आहे फुल विंटेज भाई अभी क्या कलेक्शन में रखने का सब नजदीक है रे मतलब गाड़ी से सब ले सब कसा पळत आलाय वो अरे काय रे पोलीस आहे का गाडी जा गेला हेलो गाइस सनरूफ हे अच्छा इथून असं आहे का टोल देणे का ऐसा आहे का हेलमेट बघ हेलमेट त्याचे काय काय जिंकला डायरेक्ट गाडी लग
मैं दूर से देखा इतने मेरे को दिमाग में आया तो उसको जाके लेके आओ करण कंचन बीच पे आए क्या गाड़ीची टोपी है टोपी है का ती गाडीची कालच कार्यक्रम हे गाडी चालू आहे क्या बोलता अंगार हे जे दिले रे मस्त दिले अंगार अंगार अलग आहे अभी आते टाइम क्या हो गया भाई कशी वाढली गाडी करण बाप बाप आवडली भाई सनरूफ जे होतं ना जे लहानपणीपासून स्वप्न होतं लहानपणीच्या गाडीतच भेटले सनरूफ हे बेस्ट भेटले सनरूफ हा भारी मजा आ गया गर्मी लागेल ना गर्मीत वाईट ही आहे भाई वेल मेंटेन्ड है सब अपग्रेड कौन करते इतना काम तो हमने उठाएगा ये वूफर हो गया सनरूफ हो गया ये वो म्यूजिक सिस्टम दुनिया भर का सब चीज इलेक्ट्रॉनिक्स रजत भाई एक्सपीरियंस बताओ गाड़ी रुकने से पहले बंद होने से पहले भाई टाइम मशीन है गाड़ी डायरेक्ट नॉस्टैल्जिया डायरेक्ट डायरेक्ट पण वेगळाच फील है यार नवीन अलग लेवल है चलो आतून है रजत एसी वाली पहला मॉडल एसी तो मारुती है सेकंड जनरेशन में ही विदाउट एसी वाला मॉडल जैसा इंजिन बाप है ना ये देखिए डीजे वाले को रहता है वो है हां कुछ नहीं चक्का 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 करने का भाई इंडी हां ऑयल चेक करना ऑयल एकदम काला पडलेला है का बघ एकदा करण एकदम चकाचक ऑयल है नवीन परफेक्ट है नवीन बाल पे लगा के देख तो परफेक्ट है आर्टिका को लगाए था कवर कभी नहीं भाई बाहर किधर लेके गए तो लगेगा ना कवर ये हाइट ही पसंद है मेरे को हाँ व्हाट अ डे पूछना पड़ेगा उसके नीचे कुछ तो है सीट के सीट काट दे सीट से वन खाली का अपन जाएगा सब नहीं हाँ काय काय का वहाँ पे काय सापड़ लगा दी बियर का मोर डाला है दूध पिया थे रेड खली लेवल ला सापड़ अभी पहले अपने को हार लेने का मिठाई लेने का मिठाई लेके हार लेके उधर मट मट में जाते Thank you.
मित्रांनो, आपण आता आलो आहे स्वामी समर्थांच्या मठात गाडीला देवाचं दर्शन द्यायला, आणि भजनकांना आपण पूजा करून घेणार आहे, नवसात काढून घेणार आहे, आणि मग आपण वापरायला चालू करणार. Thank you.